राम कबीर काका, लेट्स स्टार्ट शो नंबर 31। बेस्ट विशेस। गुड इवनिंग एंड राम कबीर। संगीत संध्या के इस 31वें प्रोग्राम में आप सभी दर्शक मित्रों का प्यार भरा स्वागत के साथ भास्कर भक्त का नमस्कार। हर दो हफ्ते आप सभी अपनी शाम के दो घंटे हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते आए हैं, इसलिए संगीत संध्या की पूरी टीम की ओर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, इस कोविड की महामारी से निकलकर अभी अभी हम अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने की कोशिश में ही थे कि ये ओमिक्रॉन नाम का वायरस आ गया और हम सबकी जिंदगी फिर से शायद बदलने वाली है। और CDC की बातों से तो लगता है कि ये ओमिक्रॉन की लहर कोविड और डेल्टा से भी शायद ज्यादा खतरनाक हो। तो हम इसी संगीत संध्या के प्लेटफॉर्म से सभी संगीत वाले सुनने वालों को अपील के साथ हम्बल रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जिंदगी के सफर की ये अनजान राहों में कभी खुशी तो कभी गम मिलेगा। दोस्तों, ये जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। तो बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसी को कम है। अच्छा या बुरा तो केवल हमारा भ्रम होता है दोस्तों, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। और इस पूरी दुनिया में एक हमारा दिल ही तो है जो बिना आराम किए काम करता रहता है, इसीलिए इसे हमेशा खुश रखो, फिर चाहे अपना हो या अपनों का। तो बहनों और भाइयों, हम एक और बात भी बता दें कि इस संगीत संध्या की सफर शुरू किए वैसे तो करीब एक साल से भी ज्यादा हो गया है, और इस साल के दरमियान SRB के संगीत संध्या के प्लेटफॉर्म के जरिए हमें 225 से भी ज्यादा सिंगर्स हमें मिले हैं, और इनमें से कई कोहिनूर तो ऐसे भी हैं जिनकी खुद की कोई पहचान या आइडेंटिटी नहीं थी, और वो आज हमारे समाज में एक अच्छे सिंगर्स या तो MC के लिए भी पहचाने जाते हैं। तो क्यों ना आज की ये रंगीन शाम भी इनमें से ही एक कलाकारा से शुरू करें, जो पहली बार जब इस प्रोग्राम में आई थी तो बड़ी ही बेचैन और घबराहट महसूस करती थी, और आज इतनी माहिर हो गई है कि गाना तो बड़ी अच्छी तरह से वो गा ही लेती है, लेकिन MC की जिम्मेवारी भी बड़ी अदा के साथ वो निभा लेती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्प मी वेलकम अ वेरी वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड लेडी विथ अ गोल्डन हार्ट फ्रॉम तल्सा ओक्लाहोमा, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रूपल बेन जतिन भाई भक्त टू डू द MC फ्रॉम हियर ऑन and to entertain us with her sweet and mesmerizing voice. Thank you, Ram Kabir, and welcome, Rupal, is all yours. Thank you, Bhaskar Kaka. आपके प्यार भरे स्वागत के लिए दिल से शुक्रिया। संगीत संध्या के एक बहुत ही होनहार MC की भूमिका आप 30वें कार्यक्रम से निभा रहे हो, जो बहुत ही गर्व की बात है। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। ऐसे हमारे श्री भास्कर काका की सेवाओं को बिरदारते हुए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने सौंपी हुई ये बागडोर आपकी तरह तो मैं नहीं निभा सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू भास्कर काका।
दोस्तों कहते हैं कि इफ्तिदाए इश्क होता है क्या, इफ्तिदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राम कबीर, नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हेलो, वेलकम एंड केम छो। आए हुए सभी संगीत संध्या के मेंबर्स का और बाकी सभी दर्शकों का भी SRBS संगीत संध्या की तरफ से आज का 31 के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रूपल जतिन भक्त फ्रॉम तल्सा ओक्लाहोमा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कहते हैं कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब ये जो शेर है ये इस महफिल में इसलिए भी सचता है कि एक तरफ तो हम जंग से लड़ रहे हैं कोरोना के साथ और दूसरी तरफ हम म्यूजिक के इश्क में रंगने वाले हैं और दोनों ही चीजें भरपूर होगी, ये वादा है हमारा। तो बिल्कुल इतनी सारी बातों को साथ, इतनी सारी बातों के साथ हो जाते हैं तैयार हमारे पहले नगमे की ओर। गीत के बोल है ए दिले नादान, फिल्म थी रजिया सुल्तान जो रिलीज हुई थी 1983 में। उसे गाया था लता जी ने, म्यूजिक दिया था कायम जी ने और लिखा था जान अख्तर जी ने। तो आइए आपके सामने पेश करते हैं हमारी बेहतरीन सिंगर, जिनके बारे में आप सब जानते ही हो कि वो जितनी अच्छी सिंगर है उतनी ही खूबसूरत भी है। और मेरी स्टाइल में अगर मैं कहूँ तो जिसकी दिलकश आवाज से हर लाइव में आ जाती है मदहोशी, लेडीज एंड जेंटलमैन, SRBS संगीत संध्या प्रेजेंट्स वन एंड ओनली शीला बेन सतीश भाई भक्त फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। राम कबीर सोने, थैंक यू रूपल। जो सच क्या है
क्या बात है शीला बेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वीट वॉइस यू हैव। आपने इस गाने के हाई नोट्स हो या लो नोट्स हो बहुत ही अच्छी तरह से निभाए। ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 यू आर ऑन नंबर 11। ब्यूटीफुली सॉन्ग, ब्यूटीफुली एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच शीला बेन। इससे पहले कि हमारी शीला जी ने तो बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दे ही दिया, और अब हमारी अगली फीमेल सिंगर को मैं इंट्रोड्यूस करूं जो ये गीत लेके आ रही है ह्यूस्टन टेक्सास से, जो संगीत संध्या में कई बार अपने आवाज के जादू का एहसास दिखा चुकी है। वो है हमारी प्यारी सी जैना बेन धर्मेश भाई भक्त। गाने के बोल है कसम खा के कहो, फिल्म थी दिल है तुम्हारा, रिलीज हुई थी 2002 में। उसे गाया था कुमार सानू जी ने और अलका याग्निक जी ने, म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण जी ने और लिखा था समीर जी ने। तो आइए जैना बेन सुनाइए आपका प्यार भरा गीत। राम कबीर। थैंक यू रूपल।
जब से दिल में हसरत होती है तुमको देख के, चाहे तुमको दिल में चाहत होती है तुमको देख के, हमें प्यार करो इकरार करो सांसों में बसा के रख लो, तुम शाम और शहर दीदार करो ख्वाबों में छुपा के रख लो, नजर झुका के कहो पलक उठा के कहो, हाँ कहो ना कहो बस कहते रहो, तुमको हमसे प्यार है, हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। अब तो तेरे नाम से इश्क हुआ जब से ना गुजरा एक लम्हा आराम से, क्या हाल हुआ चाहत में सनम मुश्किल है तुमसे कुछ कहना, है तुमको कसम महबूब कभी आंखों से दूर ना रहना, इतरा के कहो झिल मिला के कहो, हाँ कहो ना कहो बस कहते रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, प्यार है, कसम खा के कहो मुस्कुरा के कहो, हाँ कहो ना कहो पास आके कहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार, हमसे प्यार है। थैंक यू राम कबीर। वाओ जैना बेन, पहले तो आप कई हफ्तों से एब्सेंट थी, इसलिए वेलकम बैक टू द शो। ये डुएट गाना बहुत ही अच्छी तरह से निभाया आपने। Love your background, the way you're looking in pink, beautiful. And overall, the performance is too good. We just enjoyed it a lot. Thank you so much, Jainaben. Thank you. तो चलिए हमारे तीसरे नगमे की ओर। गाने के बोल है उड़ जा काले कावा तेरे। फिल्म थी गदर, रिलीज हुई थी 2001 में। उसे गाया था उदित नारायण जी ने, लिखा था आनंद बख्शी जी ने और उसका म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तपन सूरज से होती है, तपना धरती को पड़ता है। तपन सूरज से होती है, तपना धरती को पड़ता है। मोहब्बत आंखों से होती है और तड़पना दिल को पड़ता है। तो दिल की इसी तड़प को लेकर आ रहे हैं हमारे अगले फनकार, जिनका नाम है उदय भाई डाया भाई भक्त फ्रॉम मिनियापोलिस मिनिसोटा से। वेलकम उदय भाई। राम कबीर सौने, थैंक यू रूपम।
काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बाग में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया मिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा तो लंबियां लंबियां तो घर आज परदेसी ये तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आज परदेसी ये तेरी मेरी एक जिंदगी करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली मैं चुप तू चुप प्यार सुने बस प्यार ये बोले खाली ओ घर आज परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आज परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ मत जाना ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना ऐसा हो नहीं सकता हो जाए तो मत घबराना मैं दौड़ी आऊंगी तू बस एक आवाज लगाना ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियां बिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा तो लंबियां लंबियां ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी थैंक यू राम कबीर ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी उप्स वाह क्या गाया है उदय भाई क्या बात है आप तो बड़े ही छुपा रुस्तम निकले क्या गाया है आपने गाने के बोल दिल को छू गए
वैसे तो आप भजन भी बहुत अच्छी तरह से गा लेते हो, लेकिन आज का गाना गाकर सुपरस्टार बन गए हो आप। वेरी गुड कंट्रोल ओवर हाई नोट्स एंड द सॉन्ग सिलेक्शन वॉज टू गुड। इट्स माई फेवरेट सॉन्ग दैट मैचेज योर पर्सनालिटी सो वेल। थैंक यू फॉर सिंगिंग माई फेवरेट फेवरेट सॉन्ग उदय भाई। थैंक यू। और अब हमारी अगली सिंगर को इंट्रोड्यूस करूं तो कितनी खूबसूरत है आप, उससे भी खूबसूरत है अंदाज आपका। जी हाँ दोस्तों, जो अगली सिंगर आपके बीच आ रही है वो बिल्कुल चांद जैसी है। चांद जैसी खूबसूरत दिखती है और बहुत खूबसूरत वो गाती भी है। वो है हमारी प्यारी सेजल बेन भिखुभाई भक्त फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। गाने के बोल है मिलो ना तुम तो हम घबराए। फिल्म थी हीर रांझा जो रिलीज हुई थी 1970 में। गाया था लता जी ने, म्यूजिक दिया था मदन मोहन जी ने, लिखा था कैफ आजमी ने। तो आइए सेजल बेन सुनाइए आपका प्यार भरा गीत। थैंक यू रूपल। राम कबीर सोने
वाह सेजल बेन, वाह, व्हाट अ सॉन्ग सिलेक्शन, सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस ओवरऑल. आई ऑनेस्टली कैन सी दैट यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे. ये गाना आपने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया आपकी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ. थैंक यू सो मच सेजल बेन. अब हम आपके सामने पेश करते हैं हमारी चुलबुली सिंगर जिनको कौन नहीं जानता. जी हाँ दोस्तों, रेट्रो हो या रोमांटिक हो या फिर बॉलीवुड, हर गाने में इनकी दिलकश आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है. हर शो में इनका जो तरीका है वो ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देता है. और मेरी स्टाइल में कहूँ तो फूलों के मौसम में बहारों का समा होता है. फूलों के मौसम में बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में भी तो प्यार जवा होता है. दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो आंखों से बयां होता है. इस गीत में ऐसे ही जज्बात है, ऐसी ही कुछ बातें हैं. और इस गीत को हम आपके लिए पेश करेंगे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. फिल्म थी अनपढ़, रिलीज हुई थी 1962 में. म्यूजिक दिया था मदन मोहन जी ने, लिखा था राजा मेहंदी ने. लेडीज एंड जेंटलमैन, SRBS संगीत संध्या प्रेजेंट द वन एंड ओनली अर्पणा बेन किरण भाई भक्त फ्रॉम चिल्ड्रन टेक्सास. थैंक यू राम कबीर, थैंक यू रूपू बेन. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये तोड़ी नहीं ठहरे.
कबीर। वाह अर्पणा, गुड जॉब। जब भी आप गाती हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाती हो। And you were in different world today. It's like not your song, but you did it excellent. Very good job. That's what I like about you the most. आज मैं बोल सकती हूँ ये सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस था। Thank you, Appu. Thank you so much. तो चलिए दोस्तों, कहते हैं कि इतनी खुशी में मेरा मन उदास हो रहा है क्योंकि आपसे बिछड़ने का समय हो गया है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वागत करती हूँ हमारी अगली एमसी का, हमारी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड कोमल बेन समीर भाई पटेल। मैं रूपल भक्त आप सबसे लेती हूँ अलविदा। सौने राम कबीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूपल बेन, आपने बहुत ही खूबी से निभाए ये कार्यक्रम। राम कबीर सवने, गुड इवनिंग मेरे श्रोता मित्रों। मैं कोमल समीर पटेल सैन मनीटो टेक्सस से आप सबका स्वागत करती हूँ संगीत संध्या 31 में। भाई दिसंबर महीना आ चुका है और सरस गुलाबी ठंडी शुरू हो चुकी है। जी हाँ भाई, ठंडी के भी कलर होते हैं और इनके साथ आती है सर्दी जुकाम और खांसी। तो भाई विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। और एक और प्रॉब्लम है कि भाई जब नहाने जाते हैं बाथरूम में डोल भराती है तो कैसा धक धक होता है, क्योंकि ठंडा और गर्म पानी अच्छे से भिगा नहीं हो पाता। और जब पहला डबला ऐसे सिर पे रेड़ते हैं और कैसी जनजनाटी होती है भाई साहब, नहाने पर बैन लगाने का मन हो जाता है। लो भाई मेरी हिंदी को भी जुकाम लग गया। तो डोल डबले को मालते हैं गोली और चलते हैं कार्यक्रम के छठे गाने की ओर, जिसके बोल है इतना भी ना चाहो मुझे, मूवी सनम तेरी कसम से जो आई थी 2009 में, जिसे गाया था कुमार शानू जी ने और अलका याग्निक ने। और आज की शाम हमारे लिए ये रोमांटिक गाना लेकर आ रहे हैं हमारे अपने कुमार शानू। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद भाई भक्त डैलस टेक्सस से। आनंद भाई जिन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है, वो संगीत संध्या के जाने माने कलाकार और इस शो की पहचान है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम बाजीगर शानू बाबू आनंद भाई। आइए आनंद भाई, सुनाइए आपका गाना। राम कबीर, थैंक यू वेरी मच कोमो फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। इतना भी ना चाहो मुझे, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रहना सकूं, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रहना सकूं। यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बातें तुमसे कहना सकूं। इतनी भेजे नीले के कैसे जिए
देखा कोई इतनी चाहत दामन में किस रखेगा कोई इतनी बेचैनी लेके किस जिएगा कोई इतनी चाहत दामन में किस रखेगा कोई चैन कहीं लेने न दे मुझको प्यार तेरा इतना भी ना चाहूं मुझे के मैं एक पल तुमसे दूर रहना सकूं यूं ना प्यार से देखो मुझे के मैं दिल की बातें तुमसे कहना सकूं कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है क्या बात है आनंद भाई आपने क्या खूबी से निभाया ये गाना आप कुमार शानू से किशोर कुमार तक हर गाने को बाखूबी निभाते हो आउटस्टैंडिंग सिंगिंग आनंद भाई एंड थैंक यू फॉर योर सेल्फलेस सर्विस फॉर समाज एंड संगीत संध्या शो थैंक यू थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स अप्रिशिएट इट तो चलिए भाई और बहनों मैं आपको ले चलती हूँ कार्यक्रम के सातवें गाने की ओर आप सबको अजय देवगन की वो बाइक स्टंट वाली एंट्री जरूर याद होगी जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मूवी फूल और कांटे से जो आई थी 1991 में उस मूवी का बहुत ही फेमस गाना है मैंने प्यार तुम्ही से किया है जिसे गाया था कुमार शानू एंड अलका याग्निक जी ने और आज की शाम हमारे लिए ये गाना लेकर आ रहे हैं हमारे पावर कपल जिनके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए चल रही है बड़ी मजेदार प्यार भरी जिंदगी तो बस हाथों में माइक्रोफोन होना चाहिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं केतन भाई एनवीना बेन भक्त फ्रॉम कॉर्पस कर्व टेक्सास से आइए सुनाइए आपका प्यार भरा गाना राम कबीर राम कबीर थैंक यू कोमल
मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम ही से किया है, मैंने दिल तुम ही को दिया है।
जग छोड़ दूँ मैं ओ तेरे साथ रहूँ से मैं प्यार करूं मैंने प्यार तुम ही से किया है मैंने दिल भी तुम ही को दिया है अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं मैं दुनिया से अब ना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं अपना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं राम कबीर राम कबीर क्या बात है बीना बेन केतन भाई क्या खूबी से निभाया आप दोनों ने ये गाना क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी हमारी ये युगल जोड़ी ने भाई कहा जाता है कि शादी दो बिजली के तारों जैसी होती है अगर सही कनेक्शन जुड़ गया तो उजाला ही उजाला और नहीं तो फिर दिवाली की तरह कभी यहाँ बम फूटा तो कहीं वहां फटाके सही बात कही ना थैंक यू वीना बेन केतन भाई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चलिए मेरे दर्शक मित्रों चलते हैं कार्यक्रम के आठवें गाने की ओर गाना बहुत ही फेमस मूवी मुकद्दर का सिकंदर से है जो आई थी 1978 में जिसे गाया था किशोर जी ने और कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने जब कल्याण जी आनंद जी इस फिल्म पर काम कर रहे थे उसी के दौरान उनके एक खास दोस्त नहीं रहे थे वो दोनों सोचने लगे कि कैसे गुजारेंगे अपनी ये जिंदगी अपने खास दोस्त के बगैर और कुछ ऐसे ही उन्होंने इस आइडिया आया इस गाने का गाने के बोल है ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना जिसे गाया था किशोर जी ने और फिल्माया गया था बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ जी पर और आज की शाम हमारे लिए ये गाना लेकर आ रहे हैं संगीत संध्या के शहंशाह जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है संगीत संध्या की आन बान शान जोरदार तालियों से स्वागत करे वन एंड ओनली ह्यूस्टन टेक्सस से भास्कर काका आइए भास्कर काका सुनाइए दर्द भरा गीत आपकी प्यारी सी आवाज में थैंक यू कोमा राम कबीर दोस्तों जिंदगी में वही लम्हे बस खास होते हैं जिन लम्हों में हमारे अपने पास होते हैं रिश्तों की खुशबू से ही जिंदगी महकती है जब हमारे चाहने वाले आसपास होते हैं तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक खूबसूरत लगने की ओर
कराओके कराओके जगत में आपका पसंद। वाओ, व्हाट अ हिस्टोरिकल मोमेंट। क्या खूबी से गाया आपने भास्कर काका। आपने इस गाने को बहुत ही इमोशन के साथ निभाया। आप इस शो की आन बान और शान ऐसे ही नहीं कहलाते। आपने लगातार लास्ट 30 शोज में अपना कीमती वक्त देकर जो सेल्फलेस सर्विस दी है, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आते रहना और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहना। थैंक यू। तो चलिए भाई और बहनों, चलते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। 1981 में मूवी आई थी उमराव जान। उमराव जान नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने रेखा जी का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। शायद कोई और एक्ट्रेस उमराव जान का किरदार रेखा जी से बेहतर नहीं निभा पाती। उसी मूवी का बहुत ही मशहूर गाना दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जिसे गाया था आशा भोसले जी ने। और आज की शाम हमारे लिए ये गाना लेकर आ रही है टीनल बेन भक्त इडन पेरी मिनेसोटा से। आइए टीनल बेन, सुनाइए प्यारा सा गाना आपकी मधुर आवाज में। थैंक यू कोमल, सोने राम कबीर। बारी में
ओहो, क्या मेलोडियस आवाज है आपकी, क्या जादू है, बहुत ही बेहतरीन निभाया आपने ये यूनिक मास्टरपीस सॉन्ग को। एक्सेलेंट सिंगिंग टीनलवेन, थैंक यू। ऐसे ही आते रहना और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहना, धन्यवाद। थैंक यू कोमल। तो मेरे श्रोता मित्रों, हम कार्यक्रम के 10वें गाने पर चलते हैं। आशा रखती हूँ आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। हर बार हमारे संगीत संध्या के सिंगर्स आप दर्शकों के लिए मजेदार गाने लेके आते हैं, पानी पूरी की तरह। मीठे रोमांटिक सॉन्ग, चटपटे पॉप सॉन्ग और रुला देने वाले सैड सॉन्ग, राइट? भाई अब मुझे पानी पूरी खाने का मन हो गया। कहते हैं कि औरतें लाइफ में कोई भी चैलेंज फेस कर सकती है, बस पानी पूरी वाला भैया रास्ते मन में मिल जाए। वरना चैलेंज गई साइड में, एक प्लेट पानी पूरी देना भैया, सच बात। तो चलिए बुलाते हैं कैंसस रॉकस्टार से नीतल बेन भक्त, जो आज हमारे लिए गाएंगी भागे रे मन फ्रॉम मूवी चमेली से, जो आई थी 2003 में, जिसे गाया था सुनिधि चौहान ने। आइए नीतल बेन, सुनाइए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आपकी प्रीटी आवाज। Thank you, Komal Ben. Thank you.
टैलेंटेड सिंगर यू आर नितल बेन, बहुत ही प्यारा गाना आपने अपनी मीठी आवाज में सुनाकर प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। रॉक स्टाइल की स्टाइल में आपने मौसम बदल दिया। एक्सेलेंट सिंगिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कोमल बेन। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। टाइम था 80s का, जब राजेश खन्ना उर्फ काका और किशोर कुमार को दो जिस्म एक आवाज कहा जाता था। काका की बहुत सी सुपरहिट फिल्मों के बहुत ही सुपर डुपर हिट गाने किशोर दा ने गाए थे। उन्हीं गानों में से एक था हमें तुमसे प्यार कितना, जो थी मूवी कुदरत से, जो आई थी 1981 में। आज ये मेलोडियस गाना हमारे लिए लेकर आ रहे हैं जिन्होंने संगीत संध्या में अपना कीमती अहम किरदार निभाया है, जिनके बगैर संगीत संध्या की सफलता मुमकिन नहीं, जैसे आनंद भाई, गुणवंत काका, भास्कर काका एंड ऑफ कोर्स जितेंद्र भाई। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कैंसस रॉकस्टार, सुपरस्टार, मल्टी टैलेंटेड जितेंद्र भक्त लिबरल टेक्सस से, कैंसस से, आई एम सॉरी। तो आइए जीतू भाई, सुनाइए आपका मेलोडियस सॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू कोमल फॉर द वार्म वेलकम। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार।
तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अनिल चौहान, थैंक यू राम कबीर। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। वाह जीतू भाई, क्या रॉक स्टार स्टाइल परफॉर्मेंस दी है आपने। आपकी वर्सेटाइल सिंगिंग के बारे में कौन नहीं जानता, आउटस्टैंडिंग। आपकी संगीत संध्या के प्रति मेहनत, सेवा भावना और समाज के प्रति आपका प्यार हम सब ने बखूबी देखा है। आपकी निस्वार्थ समाज सेवा के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। चलिए मेरे दर्शक मित्रों, मेरा सफर यही तक का था। आप सबके अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा रखती हूँ कि आज आपका मनोरंजन करने में मैं सफल रही हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। मैं संगीत संध्या की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये गोल्डन चांस दिया आप सबके सामने फिर से आने का। ज्यादा देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मेगा स्टार ऑफ संगीत संध्या, जिनके बिना ये कार्यक्रम मुमकिन नहीं। आइए भास्कर काका संभालिए कार्यक्रम की बागडोर। थैंक यू राम कबीर। थैंक यू राम कबीर। थैंक यू कोमल फॉर डूइंग एन एक्सेप्शनली गुड एमसी। यू एंड रूपल बोथ डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज for coming forth and show your versatility. एक अच्छी सिंगर तो तुम हो ही, लेकिन एमसी भी बड़ी अच्छी तरह कर लेती हो तुम। तुम्हें भी जब मैंने पहली बार कहा था कि भाई एमसी करने के लिए, तो बड़ी नर्वस हो गई थी, और देखो आज तुम अपनी काबिलियत और मेहनत से कहाँ से कहाँ आ गई हो। Thank you once again to both of you for doing wonderful MC. Thank you. इसी तरह आती रहो और सभी सुनने वालों के दिल बहलाती रहो। थैंक यू कोमल। तो दोस्तों, इस सुहानी शाम को हम अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और रोमांटिक गाने की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से, जो आई थी 1973 में, जिसमें अदाकारी निभाई थी बॉलीवुड के जाने माने कपल अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन ने, और इसमें से लिया गया लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना, जिसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा था एस डी बर्मन साहब ने। और आज की शाम हमको शाम को और रंगीन बनाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे वंस अगेन द मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड कलाकार रूपल बेन जतिन भाई भक्त। गाने के बोल है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तो आइए रूपल, और सुनाइए रोमांटिक नगमा अपनी सुरीली आवाज में। थैंक यू भास्कर काका, सोने राम कबीर। Thank you.
beautiful. Just 1 second, please. Okay, sorry. The show is blocked. Just give me a second here. I have to restart it. The viewer dropped to about 7. All right, nobody logs out. Bhaskar Kaka, I want you to announce this song once again. And then I'm going to start live streaming once again, okay? I'll send you some screenshot. Okay, let me know when I need to start again. Yes, just a second here. Guys, just stay tuned. It's one of those things don't have any control over. So we just have to bear with it. It will be just momentarily. So stay tuned. Sorry to interrupt you. Rupal broke the internet. All right, guys, we are live. Bhaskar Kaka, re-announce the song and let's restart Rupal. Go ahead. Best wishes. Kaka, go ahead. Okay. Yeah, Kaka, you can start. I'm checking the live streaming. Go ahead. दोस्तों ईशुहानी शाम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और रोमांटिक नगमे की ओर जिसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से जो आई थी 1973 में जिसमें अदाकारी निभाई थी बॉलीवुड के जाने माने कपल अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी ने और इसमें से लिया गया लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना जिसको लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा था एस डी बर्मन साहब ने और आज की शाम को और रंगीन बनाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे वंस अगेन द मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड कलाकार रूपल बेन जतिन भाई भक्त गाने के बोल है अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी तो आइए रूपल और सुनाइए रोमांटिक नगमा अपनी सुरीली आवाज में थैंक यू भास्कर काका सोने राम कबीर Thank you.
थैंक यू। अरे क्या बात है रूपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग टू, द म्यूजिक कंपोजिशन, लिरिक्स, पिक्चराइजेशन एंड ऑफ कोर्स लता दीदी वॉइस, एवरीथिंग इज सुपर। और तुमने जो गाने की शुरुआत में जो आलाप लिया वो काबिल तारीफ है। एक्सलेंट एक्सलेंट सिंगिंग एज ऑलवेज। और एक बात और रूपल, ये गाना सुनकर जतिन बाबू ने हमें एक मैसेज भेजा है। उन्होंने बोला है कि मेरी चाहत बन गई हो तुम कि आदत बन गई हो तुम, मेरी चाहत बन गई हो तुम कि आदत बन गई हो तुम, हर सांस में तुम आती जाती हो जैसे मेरी इबादत बन गई हो तुम। तो बस इसी तरह आती रहो और गुनगुनाती रहो। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक और बड़े ही खूबसूरत नगमे की ओर, जिसको सुनते ही आप सभी भी खुशी के मारे झूम उठेंगे और लगेगा कि आज की शाम ये कुछ उल्टा सुलटा होने वाला है। वो क्या होगा कि कभी जमीन ऊपर आ गई और कभी आसमान नीचे आ गया। अरे बाबा, सब कुछ हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम में, जब एक एक्शन पैक कलाकार अपना ये मस्ती भरा गाना गाएगी तो आप भी मान जाएंगे। जी हाँ, अब हम ले चलते हैं आप सभी को 1996 में आई हुई फिल्म खामोशी के मस्ती भरे नगमे की ओर, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था जतिन ललित जी ने और गाया था कविता कृष्णमूर्ति जी ने। और आज की शाम ये सुपर डुपर मस्ती भरा गाना लेकर आ रही है हेइस कैंसास से, कैंसास रॉक स्टार की सुपरस्टार, वेरी टैलेंटेड यंग एंड डैशिंग मेलोडी क्वीन, द वन एंड ओनली पूर्वी बेन विलिस भाई भक्त। गाने के बोल है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो आइए पूर्वी बेन और सुनाइए मस्ती भरा गाना। राम कबीर जय श्री कृष्ण, लेट्स रॉक संगीत संध्या 31st दिल से। पगरनी आरे रे रे दा रा 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 रे नी, पगरनी रे वे दा रा 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 पारम के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर
थैंक यू राम कबीर जय श्री कृष्ण। वाव क्या मस्ती भरा गाना छेड़ दिया आपने। अरे बाबा तुम सीधी चलो या उल्टी चलो, लेकिन गाना हमेशा आप सुर में गाती हो। आप चलती हो जमीन पर लेकिन सुर पहुंच जाते हैं आसमां पर। जब भी गाती हो पूरी तरह गाने में डूब कर गाती हो। एक्सेलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग एंड एक्सेप्शनली वेल डिलीवर्ड। और आपके लिए चंद लाइनें और मैं बोलूंगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड पर, लेकिन पूर्वी बहन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। बस इसी तरह आती रहो, चाहे उल्टी चाहे सीधी चलती रहो, लेकिन गुनगुनाती रहो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स मामा। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारा आज की शाम के 13वें नगमे की ओर। और ये जो जनाब आ रहे हैं उनकी पहचान उनके नाम से, चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं हमारे समाज के एक और हिडन कोहिनूर की ओर, जिसकी संगीत संध्या के प्रोग्राम के पहले कोई पहचान तक नहीं थी। और आज संगीत संध्या के प्रोग्राम की पहचान इन जैसे कलाकारों की वजह से है, जो एक अच्छी सिंगर तो है ही, लेकिन जैसे कि आप सभी ने देखा कि वो एमसी का रोल भी बड़ी अच्छी तरह से निभा लेती है। और आज की शाम ये जो खूबसूरत गाना लेकर आ रही है वो हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, जिसको लिखा था गुलशन बावरा जी ने, संगीत से संवारा था आरडी बर्मन ने और गाया था सुरों की मलिका आशा जी ने। और आज की शाम को और रंगीन बनाने आ रही है वन ऑफ आवर मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगर कोमल बेन समीर भाई पटेल फ्रॉम सैन बेनितो टेक्सास से। गाने के बोल है जाने जा ओ मेरी जाने जा, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। राम कबीर थैंक यू भास्कर काका। थैंक यू। जाने जा तलक में प्यार की राहों से थी।
din tinak din tinak din din tinak din tinak din din tinak din tinak din din tinak din tinak Kumal, your blog as well. What's going on today? Both OMCs are too hot. Wow. Rupal yes. ne Kumal server ne down kar laiko, kill kar laiko. All right. I'm gonna wait about 30 seconds. Restart live streaming. But it was just block on last stanza. Or you can re-sing it, Kumal. What is going on today? I don't know. Let's take a 30-second break, guys. Okay, the first one was music of about, I think, 30 seconds. Both are old songs. It's surprising. I have no idea. Something is not right today. Because this song was sang so many times, too. Yes, I know. I had this live streaming with Muktaban just last week. Wow. All right, guys, I'm going to restart. Baskarka, let me spotlight you. So, once again. Do we start with all the comments and everything, or where did it? You can just say that, you know, once again, there was some technical issue, and she can re sing it. Okay, Chella Fakramaj blocked me. We are dropped from like way tremendously. Okay, maybe Rupal, you can sing the whole song from the beginning, right? Not Rupal, Kumal. I mean, sorry, Kumal. Yeah, Kumal, restart your karaoke. And then let Paskaraka announce your song once again. And just wait for my signal, Kaka, okay? All right, here it goes, guys. I have to do a lot of editing when I produce this song on YouTube.
Do we start now? Just wait, Kaka. I'm doing live streaming here. Just one second. Man, that's unusual. Okay, so we are live now. Kaka, go ahead. You can announce the song. चलिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं हमारे समाज के एक और हिडन कोहिनूर की ओर, जिसकी संगीत संध्या के प्रोग्राम के पहले कोई पहचान तक नहीं थी, और आज संगीत संध्या के प्रोग्राम की पहचान उन जैसे कलाकारों की वजह से है जो एक अच्छी सिंगर तो है ही, लेकिन जैसे ही आप सभी ने देखा कि वो एमसी का रोल भी बड़ी अच्छी तरह से निभा लेती है, और आज की शाम ये जो खूबसूरत गाना लेकर आ रही है वो हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, जिसको लिखा था गुलशन बावरा जी ने, संगीत से संवारा था आर डी बर्मन जी ने, और गाया था सुरों की मल्लिका आशा जी ने। और आज की शाम को और रंगीन बनाने आ रही है वन ऑफ आवर मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगर कोमल बेन समीर भाई पटेल फ्रॉम सैन बेनितो टेक्सास से। गाने के बोल है, जाने जा ओ मेरी जाने जा, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। गो हेड कोमल। राम कबीर सवने। जाने जा ओ मेरे जाने जा, जाने जा ओ मेरे जाने जा, ओ मिलेंगे दो दीवाने बनेंगे फिर अफसाने, करेगा नशा चाहिए जहां दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन
एक दिन तड़पेगी तो जितना तड़पाएगी, मुझे खबर ना थी कि ऐसी हालत हो जाएगी। जाने जा मुझे खबर ना थी कि ऐसी हालत हो जाएगी। जाने जा हा 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 हा, ओ जाने जा। दिल ले ली अंगड़ाई, प्यार की मस्ती छाई, ऐसे में तो हो जा मेहरबान। बा 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 दिन तिनक दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन तिन दिन तिनक दिन। क्या खूबसूरत मस्ती भरा गाना सिलेक्ट किया है कोमल आपने। आग पानी में भी आग लगा दी तुमने तो आज की शाम। दिल में ले अंगड़ाई, प्यार की मस्ती छाई, दिन दिनक दिन 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 दिनक दिन दिन। तुमने तो ये गाना सुनाकर हमारे सभी सुनने वालों के दिलों की धड़कने बढ़ा दी। और रही बात गायकी, तो गाना सुनते ही सभी के सभी सुनने वालों के दिल की धड़कने आपने आज नॉट डबल ट्रिपल आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आपने बढ़ा दी। और मैंने जैसे बोला पहले कि पानी में भी आग लगा दी आपने तो ये गाना सुनाकर, तो फिर जस्ट ऐसे ही आती रहो और हमेशा गाती रहो। Excellent, excellent delivery of song. Thank you. And excellent choice of song. Thank you, Komal. चलिए शामिन, कोमल जी ने तो दिन दनक दिन तीन दिन दिनक दिन तीन वाला गाना सुना के हम सबको नचा के रख दिया। लेकिन दिल थाम के बैठिए जी, क्योंकि हम आपको एक और सुपर डुपर गाने की ओर ले जाने वाले हैं। जी हाँ, हम सुनाने जा रहे हैं 2013 में आई हुई फिल्म लुटेरा का गाना, जिसमें जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, संगीत से संवारा था अमित त्रिवेदी जी ने और गाया था मोनाली ठाकुर ने। दोस्तों, हवा के झोंके आज मौसम से लूट गए, फूलों की शौकिया जो भंवरे आके लूट गए। ये सुपर डुपर गाना लेकर आ रही है हमारी जानी मानी और सबकी चहेती वेरी वर्सेटाइल सिंगर भाविनी बहन समीर भाई भक्त फ्रॉम क्लोविस न्यू मैक्सिको से। गाने के बोल है, हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए। तो आइए भाविनी बहन और सुनाइए आपका ये खूबसूरत नगमा। राम कबीर, थैंक यू भास्कर काका। से रूठ गए गुलों की शौकिया जो भंवरे आ
वाह क्या गाना कंपोज किया है इन लोगों ने. द लिरिक्स इज प्योर एसेंस एंड इट मेक्स अवर हार्ट टू स्माइल एंड माइंड टू रेस्ट इन रिलैक्सेशन. एंड हैट्स ऑफ टू मोनाली ठाकुर एंड अमित त्रिवेदी फॉर क्रिएटिंग दिस मास्टरपीस. And Monali Thakur is one of the best playback singer in Bollywood. She has sung many beautiful songs like Moh Moh Ke Dhaage. ये अलग बात है कि उन्हें Bollywood में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी. लेकिन आपने भाविनी बहन जो आज की शाम गाया ये परफॉर्मेंस इज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस है. जो हरकतें मोनाली ठाकुर ने ली थी वो आपने बड़ी बेखूबी से बरकरार रखी. एक्सेलेंट सिंगिंग एज ऑलवेज. जब भी आकर तुम गाती हो तो पूरी तरह छा जाती हो. और आपके लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा भाविनी बहन कि मायूस मत होना जिंदगी से. मायूस मत होना जिंदगी से. किसी भी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है. अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो चाय बेचने वाला भी पीएम बन सकता है. इसी तरह तुम आती रहो और गाती रहो. थैंक यू राम राम. चलिए सामिन ऐसे ही प्यार भरे गीतों की छांव में हम आगे बढ़ते हैं.
हमारे अगले नगमे की ओर। दोस्तों 2004 में एक बड़ी ही शानदार और रोमांटिक फिल्म आई थी जिसका नाम था वीर जारा, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने बड़ी ही शानदार अदाकारी निभाई थी। दोस्तों लव नोज नो बॉर्डर्स, इसका न तो कोई मजहब है या न तो कोई सरहद है, और ताज्जुब की बात ये है कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, और प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही मोहब्बत और प्यार भरा नगमा जिसे लिखा था जावेद अख्तर जी ने, संगीत से संवारा है मदन मोहन जी ने और गाया था उदित नारायण जी ने। और ये मोहब्बत के रंग बिखरने के लिए आ रहे हैं सलाइना कैंसास से बड़े ही उम्दा और वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड सिंगर, जिन्हें हम प्यार से अदनान सामी के नाम से भी पुकार लेते हैं कभी कभी, वो है हमारे जाने माने कलाकार निकुंज भाई डाया भाई भक्त। गाने के बोल है मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। तो आइए निकुंज बाबू और सुनाइए सुपरहिट गाना। थैंक यू भास्कर मामा, राम कबीर टू एवरीवन। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदे कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ
अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ। सरहदे कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। कबीर वाओ निकुंज भैया, क्या बात है, व्हाट अ पावरफुल एंड हार्ट टचिंग लाइंस। तुम छुपा न सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बुला न सकोगी मैं वो अंदाज हूँ। एवरी लाइन इन दिस सॉन्ग टचेस अवर हार्ट। हैट्स ऑफ टू लेजेंडरी जावेद अख्तर साहब, जिसने प्यार की सच्ची परिभाषा बताई कि प्यार का कोई मजहब या भाषा और सरहदे नहीं होती, इट्स यूनिवर्सल। और आपने तो निकुंज बाबू क्या इमोशन डाल दी अपनी गायकी में, पूरी तरह छा जाते हो आप। एक्सेलेंट एक्सेलेंट डिलीवरी एज ऑलवेज। और आपके लिए तो मैं दो बातें और भी बोलूंगा कि अपनी जो महबूबा जेतल जी को फूलों की तरह दिल में बसाए रखना, फूलों की तरह उनको दिल में बसाए रखना, यादों के चिरागों को जलाए रखना, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती है वक्त नहीं। बस इसी तरह आते रहो, गाते रहो और हम सब की शाम रंगीन बनाते रहो। थैंक यू निकुंज। थैंक यू राम कबीर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आज की शाम के आखिरी नगमे पर। और बहनों और भाइयों, आप अपनी जगह अब सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, क्योंकि अब संगीत संध्या के इस आखिरी नगमे में तूफान आने वाला है, क्योंकि हमारे जो अगले कलाकार हैं वो दोनों प्यार में इतने तो खो चुके हैं कि अब दोनों के दिलों की धड़कनें इतनी तो तेज हो गई है कि विचित्रा कैंसास से अब पूरी संगीत संध्या के सुनने वालों तक पहुंचने वाली है। दोस्तों ये मस्ती भरा गाना हमने लिया है फिल्म बेटा मूवी से, जिसे लिखा था समीर ने, संगीत से संवारा था आनंद मिलन ने और गाया था अनुराधा पौडवाल के साथ उदित नारायण जी ने। और आज की शाम हम सबके दिलों की धड़कने तेज करने आ रहे हैं द ब्यूटीफुल कपल दशरथ भाई एंड मुक्ताबेन भक्त। गाने के बोल है धक धक करने लगा। Welcome back, Mukta Ben. Let's enjoy this beautiful song. Thank you, Ram Kabir. Ram Kabir. Ouch.
తక్కి కరి నీ లగ్గ మోర జీయరాదరి నీ లగ్గ అరే రే తక్కి తక్కి కరి నీ లగ్గ మోర జీయరాదరి నీ లగ్గ సయ్యా భయ్యా చోడేనా కచ్చీ కలియా తోడేనా సయ్యా భయ్యా చోడేనా कच्ची गलियां तोड़ना दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया तू है मेरी दिल रुबा क्या लगती है वारे तक तक करनी लगा ओ मोरा जियरा डरनी लगा अपना कहा जो पिया तूने मुझे मैं मीठे मीठे सपने सजाने लगी देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी जादू तेरा छाने लगा मेरी नस नस में समाने लगा खुद को मैं बुलाने लगा तुझे सांसों में बसाने लगा रिश्ता अब ये रिश्ता साथी टूटेगा न तोड़े कभी दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया अरे रे धक धक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा काली काली लट तेरी जरा इन जुल्फों को सुलझाने को दे इतनी भी क्या है जल्दी तुझे घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी अब तो बाहों में आ ऐसे ना निगाहें मिला कोई देखेगा तो सोचेगा क्या मस्ती छाई है मस्ती आके लग जा गले से अभी तक तक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा तक तक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा सैया भैया छोड़ना कच्ची कलिया तोड़ना सैया भैया छोड़ना कच्ची कलिया तोड़ना दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया तू है मेरी दिल रुबा क्या लगती है वारे वाह तू है मेरी दिल रुबा क्या लगती है वारे तक तक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया थैंक यू एंड रामकबीर रामकबीर बाप रे बाप ये क्या कर दिया मुक्ता दीदी आप तो ऐसा तूफान लाई कि दशरथ बाबू के सारे बाल भी चले गए
और ये क्या कर दिया आप दोनों ने, मुक्ता दीदी की बीमारी का आप दोनों ने क्या फायदा उठाया, क्या केमिस्ट्री थी आप दोनों में। मुझे तो लगता था कि इतनी गहरी इंजरी से तुम कैसे उभर पाओगी, लेकिन तुम तो फौलाद का सीना रखती हो। हिम्मत खुदा मर्दा तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। सिर्फ आपकी हड्डियां टूटी थी, जमीर अभी भी जिंदा है। Hats off to both of you for pulling through this unexpected tragedy. Very proud of both of you. आप दोनों के लिए चंद लाइनें तो बनती है। दोस्तों, जैसे बहुत गहरी नदी बिना आवाज से बहती है, जैसे बहुत गहरी नदी बिना आवाज से बहती है, और कभी कभी बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर हौसला हो तो जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। इसलिए आप दोनों ऐसे ही फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, तो खुद भी हंसो और औरों को भी हंसाते रहो। और एक बात और मुक्ता दीदी, अगर दिल की धड़कने जो धक धक तक कल तक शांत न हुई, तो जरा दिल के मरीज के डॉक्टर को भी बता देना। थैंक यू राम कबीर। दोस्तों, ये था हमारी आज की 31वीं संगीत संध्या का आखिरी नगमा। आशा है आप सभी को आज का हमारा ये संगीत का तोहफा पसंद आया होगा। हमारी पूरी संगीत संध्या की टीम की ओर से और हमारे सारे कलाकारों की ओर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शक मित्रों को तहे दिल से शुक्रिया। Special thanks to Rupal and Komal for doing an excellent MC tonight. Dosto, musafir ho tum bhi, musafir hai hum bhi, kisi na kisi mod par mulaqat to hogi. To do hafte ke baad fir se hamari mulaqat hogi. Tab tak ke liye surakshit raho aur swasth raho. सम टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो हम आप सभी की माफी चाहते हैं। फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद। शुभरात्रि 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 राम कबीर। Before we go, this is our crew for Sangeet Sandhya Show 31st. Let's give it up for all our singers, MC and everyone. Thank you all for the love and support. And yes, we will be back in 2 weeks again. Good night. We love you all. See you in 2 weeks. Thank you. Good night.